किसानों के नाम पर पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्म है, लेकिन आज भी किसान ठगी का शिकार बन रहा है। मामला होशंगाबाद के सिवनी मालवा के किसानों का है, जहां किसानों ने अपनी उपज व्यापारी को बेच दी और व्यापारी उपज लेकर फरार हो गया। ग्राम नांदरवाड़ा के लगभग 61 किसानों की उपज व्यापारी आदित्य राज कोबरा ने खरीदी थी, जिसमें मेनका धान 2400 से 2500 रुपए के भाव से खरीदी गई थी। किसानों ने बताया कि उपज को खरीदने के बाद व्यापारी फरार हो गया, जिसकी शिकायत लेकर वे सिवनी मालवा थाने पहुंचे। किसानों ने थाने में शिकायती आवेदन देते हुए व्यापारी पर मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। बताया जा रहा है, पहले व्यापारी ने नंदरवाड़ा में किराए का मकान लिया था। धीरे धीरे व्यापारी ने किसानों के बीच अपनी साख बनाई और किसानों का धान और मक्का खरीदना शुरू कर दिया। किसानों को विश्वास में लेने के लिए व्यापारी ने किसानों को कुछ रकम भी दी थी और बाकी रकम कुछ दिनों बाद देने का कहकर फरार हो गया। व्यापारी आया बाहर का, उन्होंने धान खरीदी हमारी और पैसे नहीं दे रहा, और 8 दिन की बोला था और आज 15 दिनों का 20 दिन में जा रहा है। 6 तारीख का खरीदा था उसने, माल पूरा ले गया, माल पूरा ले गया, एक बार ले गया था, पैसे दे गया, फिर डबल से ले गया, फिर दे ही नहीं अभी तक। धान तुलवाई थी, कोबरा नाम है उसका, 90 क्विंटल है, 90 क्विंटल, और पेमेंट तो अभी कुछ भी नहीं करा, उनने मंगलवार की बोला था। एक आदित्य कोबरा और रजनी कोबरा नाम के दंपति नंदरवाड़ा गांव में लगभग 3 महीने पहले आए थे। व्यापारी हैं ये, तो ये किसानों से गल्ला खरीदते थे उसको थोड़े अच्छे दामों पे और उसको आगे बेचते थे। तो अभी जानकारी में ये आया था कि किसानों का कुछ पैसा लेकर के आदित्य 4-5 दिन से गायब हैं। उनकी पत्नी तो घर पे ही थी, लेकिन किसानों को ऐसी शंका हो रही है कि उनका पैसा लेके वो चला गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।